आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फाइवर की एक ऐसी टिप बताना चाहता हूं जो कि बहुत सीक्रेट है, लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि अगर आप लोगों के साथ शेयर कर दें तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। तो ये जो ट्रिक है ये लिटरली बहुत ज्यादा वर्क करती है। मैं आप लोगों को इसकी रीजंस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि इसकी रीजंस क्या हैं और आप किस तरीके से इसको यूज करते हुए अपना फर्स्ट ऑर्डर ले सकते हैं। आपसे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट करेंगे, तो जब आपसे क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट करेंगे तो बॉल आपके कोर्ट में है, आपने किस तरीके से उन्हें अपना ट्रस्ट शो करना है ताकि आप लोगों को वो जॉब्स दें। तो आप लोगों ने वीडियो उन सब लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है जिनको अभी तक फाइवर के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं मिला और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप सब लोगों को फ्रीलांसिंग के अंदर सक्सेसफुल बनाऊं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम फाइवर की प्रोफाइल में एक छोटा सा चेंज लेके आएंगे। आपने ऑलरेडी अगर फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट की हुई है तो उसके अंदर एक सिंपल सा चेंज हम लेके आएंगे और उससे हम ये देखेंगे कि कितना इफेक्ट पड़ता है। मैंने ये ट्रिक काफी अरसा पहले यूज की थी, अपने प्रोफाइल के अंदर ये चेंजिंग्स की थी तो उससे बहुत बेनिफिट मिला था। तो आप लोगों को भी मैं आज वही चीज बताऊंगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि फाइवर मेथडोलॉजी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। अगर आप लोगों को फाइवर के बारे में नहीं पता और आप उसे लर्न करना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपना पहला ऑर्डर लेंगे, अपनी गिग की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी और वो प्लेलिस्ट टोटली फ्री है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपने पीसी की स्क्रीन पर आ गए और मैंने फाइवर को ओपन किया है। यहाँ पे हम कोई एक चीज सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया। अब जैसे मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया या फिर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं या यहाँ से भी फाइवर के सर्च बार में भी कोई कीवर्ड अपना सर्च करें, जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं वो आपने सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे सेलर डिटेल्स देखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप यहाँ पे नीचे चेक करेंगे सेलर लेवल लिखा हुआ है और यहाँ पे नीचे सेलर स्पीक्स लिखा हुआ है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही है। जैसे कि आप देखें इंग्लिश के अंदर 11,000 सेलर्स हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है और यहाँ पे फ्रेंच के हैं, जर्मन, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे सारी अवेलेबल है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑब्वियसली ये जैसे जर्मन है तो जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेनिश है तो ये मैक्सिको को, स्पेन को रिप्रेजेंट कर रही है और इटालियन इटली को। तो इस तरीके से आपने इन कंट्रीज के जो बायर्स हैं आपने उन्हें टारगेट करना है। अब आप करेंगे ये कि आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल ओपन करेंगे। तो फाइवर पे जाने के बाद आपने यहाँ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपके पास लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर। आपने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट की होगी या फिर उर्दू सेलेक्ट की होगी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश के बाद आपने बाकी तीन लैंग्वेजेस ऐसी सेलेक्ट करनी है जिन कंट्रीज के अंदर फाइवर बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। अब उसमें आप जर्मन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप स्पेनिश सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फ्रेंच सेलेक्ट कर सकते हैं, पोर्चुगीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि यार अब मुझे तो ये लैंग्वेजेस आती नहीं है, मैं इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश यूके पे क्लिक करता हूँ और मैं इसे खत्म करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ फ्रेंच। अब मैंने जैसे ही फ्रेंच ऐड किया तो नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि बेसिक, कन्वर्सेशनल या फिर फ्लुएंट। मैं इस पे बेसिक सेलेक्ट करूंगा ताकि जो भी बंदा मेरे से बात कर रहा है इस कंट्री का उसके जहन में ऑलरेडी होना चाहिए कि बंदा फ्लुएंट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करके इसको आप अपडेट कर देंगे। अब मैंने जैसे ही इसे अपडेट किया तो मेरे यहाँ पे लैंग्वेज सेट होगी। इसी तरीके से बाकी लैंग्वेजेस भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा ये कि जब भी आपसे कोई यहाँ पे सेलर डिटेल के अंदर जाके ये लैंग्वेज सेलेक्ट करके बात करेगा, लोग इस तरह की लैंग्वेजेस इस वजह से सेलेक्ट करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश सही तरीके से नहीं बोल सकते तो हमारी जो अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर हमें कोई एक ऐसा सेलर मिल जाए जो हमारे काम को सही तरीके से समझे और हमारा काम इजीली जल्दी हो जाए। तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने जर्मन सेलेक्ट किया तो मैं जर्मन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब जितने भी यहाँ पे सेलर्स आपको नजर आ रहे होंगे ये सारे जर्मन स्पीकिंग है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे आपको पाकिस्तानी भी नजर आएंगे या फिर इंडियंस भी नजर आएंगे। उसकी रीजन यह है कि उन्हें ये ट्रिक पता है, ठीक है। तो लेकिन लोग आपके साथ ये ट्रिक इस वजह से शेयर नहीं करते क्योंकि भाई उनकी भी दुकानें बंद हो सकती हैं। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं हर तरह की ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ क्योंकि मेरा एक ही गोल है, वो ये है कि आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन जाए। अब आगे की बात हम करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बंदा अगर जर्मनी का है, वो जर्मन स्पीकर है, तो आपको यहाँ से वो हायर करेगा और आपको जर्मन के अंदर ही मैसेज करेगा क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ है
कि आप जर्मन लैंग्वेज को भी जानते हैं। अब आपने करना यह है कि आपने गूगल ट्रांसलेटर ओपन करना है। गूगल के ऊपर जाके आप ट्रांसलेटर ओपन करेंगे तो आप इधर भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गूगल ट्रांसलेटर की वेबसाइट ओपन करता हूं। अब होगा ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपको जर्मन लैंग्वेज के अंदर किसी बंदे ने, किसी बायर ने आपसे कॉन्टेक्ट किया है और उसने एक मैसेज लिखा जर्मन के अंदर, तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक टेक्स्ट को पेस्ट किया है जो आपके क्लाइंट ने आपको मैसेज भेजा है, ये मैंने जस्ट एक सैम्पल टेक्स्ट उठाया हुआ है, तो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आप उर्दू में भी कर सकते हैं, स्पेनिश में कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें भी आप इसे ट्रांसलेट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट को मैसेज करना है, रिप्लाई देना है, तो मैं किस तरीके से दूंगा, तो आप यहाँ पे जो भी आपने इंग्लिश के अंदर रिप्लाई टाइप करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल गेट बैक टू यू सून। अब ये देखें, ये मैंने मैसेज टाइप किया, अब मैंने इसको जाके मैं यहाँ पे जर्मन सेलेक्ट कर लूंगा, सर्च कर लूंगा। अब ये देखें, अब ये जो मैसेज आया हुआ है ये जर्मन लैंग्वेज के अंदर है, आप इसे सेंड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी बायर्स होते हैं जो कि इंग्लिश को भी अंडरस्टैंड करते हैं, आपने उनके मैसेजेस को ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के बाद आप बेशक उसे इंग्लिश में भी रिप्लाई दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर वो बेशक आपको जर्मन के अंदर ही मैसेज बार बार करता है तो आप जस्ट गूगल ट्रांसलेटर से इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अपनी लैंग्वेजेस चेंज की, मुझे काफी सारे स्पेनिश, जो मैंने पोर्चुगीज, इस तरह की जो लैंग्वेजेस मैंने सेलेक्ट की हुई थी, उसी लैंग्वेज के क्लाइंट्स ने मुझे उसी लैंग्वेज के अंदर ही मैसेज करना स्टार्ट कर दिए, और बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स भी मैंने कंप्लीट किए हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के थे। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ट्रांसलेटर के अंदर आके मुझे बार बार ये चीजें चेक करनी पड़ेंगी। यार देखो, अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहे, अगर आपका काम नहीं चल रहा, तो ये एक सिंपल सी चेंजिंग करके और थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने भी ये ट्रिक यूज की थी काफी अर्सा पहले और मुझे इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप यहाँ पे देख लें कि हमने यहाँ पे अभी जर्मन लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है तो हमें यहाँ पे पाकिस्तानी भी नजर आ रही है। ये देखें, ये जावेरिया जावेद और हमें और भी पाकिस्तानी यहाँ पे सेलर्स नजर आ जाएंगे जिनको ये ट्रिक पता है। तो उन लोगों ने अपनी प्रोफाइल की जो लैंग्वेज है वो चेंज किए हैं, वो सेम यही मेथड यूज करते हैं और इजीली बहुत सारे ऑर्डर्स लेते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो गिग की रीच है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बहुत सारे डिफरेंट सेलर्स होते हैं जो कि इंग्लिश सही तरीके से नहीं बोल सकते, उन्हें डर लगता है कि यार हम गलत इंग्लिश बोलें, इससे अच्छा कि हम ऐसे सेलर को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज बोलता हो। और ये सिंपल से ट्रिक से आप अपनी प्रोफाइल की रीच इंक्रीज करने के साथ साथ बहुत सारे ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आके कहते हैं कि सर आप इस तरह की ट्रिक्स बता देते हैं, हमारा इससे काम चल रहा था तो आपने ट्रिक बता दी हर किसी को तो हमारा अब काम बंद हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई, रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है और जिसका है उसको उतना ही मिलना है, तो मैं जो नॉलेज है वो शेयर करता हूँ, हमेशा शेयर करता रहूंगा जो मुझे ऐसा नॉलेज लगेगा कि यार ये बेनिफिट दे सकता है किसी एक नए बंदे को, किसी बिगिनर को, अगर ये नॉलेज बेनिफिट दे सकता है तो मैं हमेशा शेयर करूंगा, बेशक उससे मेरी अपनी दुकान ही क्यों बंद ना हो रही हो, मैं लाजमी शेयर कर दूंगा। तो रिस्क अल्लाह ताला ने देना है, जितना मेरा लिखा हुआ है उतना मुझे मिलना है, कोई खींच नहीं सकता मुझसे, और जितना आपका लिखा हुआ है कोई आपसे नहीं खेल सकता। तो अगर फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो जाके देखें, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर किस तरीके से बन सकते हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताया था, अपनी जो एक एडवाइस थी जो मैंने इतने अरसा फ्रीलांसिंग करने के बाद सीखा है वो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया। तो एक दफा उस वीडियो को जाके देखें, लिंक यहीं पे आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप इसे patreon.com/letsungover के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।